न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा T20 बारिश से मुतासर होने का इम्कान। गरज चमक, आसमानी बिजली और बारिश ने बुध की शाम पिंडी इस्लामाबाद को अपनी लपेट में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान आज न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक पर खेलेगा, तो चौथे T20 इंटरनेशनल के साथ साथ 5 मैचों की सीरीज जीतने के लिए सख्त दबाव डालेगा। पाकिस्तान ने पहले 2 T20 जीते और न्यूजीलैंड ने निस्बतन अच्छी वापसी करते हुए तीसरा T20 जीतकर सीरीज में वापसी की। एक्शन अब पिंडी स्टेडियम मुंतकिल हो गया है, जहां सीरीज की किस्मत का फैसला होगा। जुड़वां शहरों में मौसम की जानिब से पहले ही तैयारियों में खलल डालने का खतरा है और चौथे T20 में भी बारिश की पेशगोई है। गरज चमक, आसमानी बिजली और बारिश ने बुध की शाम बहन शहरों को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे टीमों के लिए तयशुदा तरबियती सेशन के लिए होटलों से निकलना मुश्किल हो गया। शाम की मुसलसल बारिश की वजह से तयशुदा तरबियती सेशन मनसूख करना पड़ा। टीम इंतजामिया का कहना था कि बारिश और ग्राउंड की हालत की वजह से आज कोई ट्रेनिंग सेशन मुमकिन नहीं था। इसके अलावा पाकिस्तानी कैंप में मिक्की आर्थर की शमूलियत अगरचे चंद दिनों के लिए है, लेकिन टीम की तैयारी को एक नई शक्ल दे दी है। टीम थिंक टैंक के साथ आर्थर की मुशावरत भारत में अक्टूबर में मुनअक्द होने वाले वर्ल्ड कप के सिलसिले में सीरीज और दीगर यूनिट्स पर ज्यादा मरकूज थी। दूसरी जानेब पाकिस्तानी कैंप एहसानुल्लाह को मौका देने पर गौर कर रहा है। स्पीड स्टार ने पहले ही शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के दौरान बैनुल अक्वामी क्रिकेट पर बहुत बड़ा असर डाला है। पिंडी स्टेडियम में विकेट पर मुनासिब बाउंस होने की वजह से इसकी शमूलियत मौका के लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। एहसानुल्लाह नसीम शाह की जगह ले सकते हैं, जिन्हें कजाफी स्टेडियम में तीसरे T20 के लिए जमान खान की जगह ड्राफ्ट किया गया था। दरअसना मोहम्मद रिजवान पहले ही दूसरे T20 के दौरान कमर की तकलीफ से दोबारा फिटनेस हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए गफार स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें।